नमस्कार किसान भाइयों, चने की फसल में फूल से फल बनने की अवस्था में हम कौन सा टॉनिक डालें जिससे हमको अधिक से अधिक उत्पादन मिले। किसान भाइयों, इस अवस्था में किसी भी फसल को सबसे ज़्यादा केयर करने या देखभाल करने की ज़रूरत रहती है। अगर इस अवस्था में हम फसल की अच्छी से देखभाल करते हैं तो हमारे उत्पादन में बहुत अच्छा वृद्धि होता है। अगर हम फूल से फल बनने की स्थिति में फसल का अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो फसल उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है। किसान भाइयों, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि चने के फसल में फूल से फल बनने की अवस्था में कौन सा टॉनिक डालें। तो किसान भाइयों, इस अवस्था में सबसे बेस्ट टॉनिक है फेंटेक प्लस। तो फेंटेक प्लस ही क्यों बेस्ट, सबसे बेस्ट टॉनिक है? तो फेंटेक प्लस अमीनो एसिड, विटामिन और प्रोटीन्स का मिश्रण है किसान भाइयों। क्योंकि अमीनो एसिड का फसल में बहुत ही महत्व होता है। अगर हम किसान भाइयों चने में फूल की स्थिति में फेंटेक प्लस का छिड़काव करते हैं तो ये हमारे फसल के एंजाइम गतिविधि को बढ़ा देगा किसान भाइयों, फेंटेक प्लस के स्प्रे से हमारे चने की फसल में बहुत अधिक फूलों की संख्या में वृद्धि होगी। फूलों के संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ किसान भाइयों, ये फूलों के डंठल को मजबूत बनाता है जिससे फूल झड़ते नहीं है और अधिक से अधिक फल लगते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हमें इसलिए फेंटेक प्लस ही बेस्ट टॉनिक है चने के फसल के लिए। साथ ही किसान भाइयों, आप इसमें 13045 का भी साथ में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं जिससे आपके उत्पादन में 10-20% तक की वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो किसान भाइयों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि यही हमारा मेहनत का फल है। धन्यवाद। राम राम।